Hey girls, this is me Sukhpreet और इस वीडियो में मैं पतले बालों के 9 सुंदर जुड़ाबन और पोनीटेल हेयरस्टाइल ट्यूटोरियल शेयर करूंगी जो आप रोजाना में सिर्फ एक मिनट के अंदर ही कर पाएंगी। तो अगर आप ऑफिस गोइंग विमेन हैं या टीचर हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, रोजाना के आसान हेयरस्टाइल ट्यूटोरियल देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सो अभी मानसून आ चुकी है और मानसून में बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं और मुझे पिछले दिन से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि दी हमारे बाल इतने फ्रिजी रहते हैं तो हम उनके साथ सुंदर हेयर स्टाइल कैसे बनाएं। बालों का फ्रिज इमीडिएटली कंट्रोल करने के लिए आप ओहोबा ऑयल ट्राई कीजिए। मेरे पास यहाँ पे सत नेचुरल्स का ओहोबा ऑयल है। ये प्योर कोल्ड प्रेस ऑयल है जिसमें कोई भी सल्फेट्स, पैराबेन या फ्रेग्रेंस नहीं है। कम्प्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट है ये। इस ऑयल को आप बालों में, स्कैल्प में आप शैम्पू करने से पहले भी मसाज कर सकते हो और आधे घंटे बाद शैम्पू कर सकते हो। आपके बाल एकदम फ्रिज फ्री रहेंगे और बाल एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर आप चाहो तो रोजाना में इसे एज अ लिव इन कंडीशनर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथों को हल्का सा गीला किया, उसके बाद मैं सत नेचुरल्स का ओहोबा ऑयल का एक ड्रॉप ले रही हूँ अपने हाथों के ऊपर और उसके बाद इसको मैं अच्छी तरह से अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लूंगी, लेंथ में और थोड़ा सा सामने की तरफ भी। ओहोबा ऑयल का टेक्सचर हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले नेचुरल ऑयल के जैसा ही होता है, इसलिए ये बालों को बिल्कुल भी स्टिकी नहीं करता, ओवर ऑयली नहीं करता। ये पूरा दिन स्टे करेगा, आपके बालों को सेट भी रखेगा, जो भी आप हेयर स्टाइल बनाओगे वो भी अच्छे से टिका रहेगा, बालों में नेचुरल शाइन भी आएगी और आपके बाल फ्रिज फ्री भी रहेंगे मॉनसून में और हेल्दी दिखेंगे। तो आप ओहोबा ऑयल को ज़रूर ट्राई करना। सत नेचुरल्स के ओहोबा ऑयल का जो प्रोडक्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। इससे इमीडिएटली बालों में शाइन आ जाती है और बाल जो है इंस्टेंटली स्मूथ हो जाते हैं और उनको फ्रिज फ्री हो जाते हैं और सी अनटेंगल करना भी बहुत ही आसान हो जाता है। सो अब चलते हैं सबसे पहले हेयर स्टाइल की ओर। यहाँ पे मैंने पहले बालों को कोम कर लिया अच्छी तरह से और अपने आईब्रो आर्च को फॉलो करते हुए मैंने हेयर का एक सेक्शन लिया और उसके ऊपर मैंने रबर बैंड बांध दिया। पतले बालों के साथ पफ बनाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि पफ जो है वो अपनी जगह से बैठ जाता है, टिका नहीं रहता पूरा दिन। तो उसके लिए इस तरीके से रबर बैंड डालने के बाद आप पफ बनाएं और उसको बॉबी पिन या टिकटैक पिन की मदद से सिक्योर कर दें। इस तरीके से अगर आप पतले बालों के साथ पफ बनाते हो, आप एक बार ट्राई करके देखना, ये पूरा दिन टिका रहेगा और आपका पफ जो है वो बैठेगा भी नहीं। सो एवरीडे में, रोजाना में ऑफिस के लिए ये वाला हेयर स्टाइल बहुत ही ईजी है। एक छोटा सा पफ बना लें और पीछे की तरफ एक पोनीटेल बना दें नीचे की तरफ। यहाँ पे अभी मेरे बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं कि मैं अपनी फिंगर के साथ ही उनको हल्का सा टर्न करके कर्ल कर रही हूँ। अगर आपके पास कर्लिंग आयरन है तो आप नीचे से कर्ल कर लीजिए, अदरवाइज इस तरीके से आप पहला हेयर स्टाइल बना सकती हैं। दूसरे हेयर स्टाइल के लिए यहाँ पे मैंने एक हेयर पैडिंग ली है जो मैंने खुद घर पे DIY करके बनाई है, जिसके लिए आप DIY हेयर एक्सेसरीज बाय कॉर टिप्स वाला वीडियो देख सकते हैं। इस हेयर पैडिंग को सेम आपको पहले वाले स्टेप फॉलो करने हैं। एक छोटा सा पफ बना लीजिए, पोनीटेल बना लीजिए और उसके बाद हेयर पैडिंग को पतले बालों में इस तरह से रोटेट करके जो रबर बैंड डाला है उसके नीचे की तरफ मैंने उसको टक इन किया है और उसको उसकी जगह पे इस हेयर पैडिंग को सिक्योर करने के लिए मैं नीचे की तरफ से 2 या 3 जूड़ा पिन लगा रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जूड़ा पिन भी यूज़ नहीं हो रहे। अगर आप पूरा दिन भी ये हेयर स्टाइल करके रखते हो तो कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा हेयर लाइन के ऊपर और आपके बाल, आपका जो स्कैल्प है उस पर कोई पेन भी नहीं होगा। जुड़ाबन को सिक्योर कर लेने के बाद बट साइड की तरफ बस आपको हेयर को स्प्रेड कर देना है ताकि हेयर पैडिंग जो है वो विजिबल ना रहे और इस तरीके से सिर्फ एक मिनट के अंदर ही आप ये आसान दिखने वाला जुड़ाबन बना सकती हैं। तीसरे हेयर स्टाइल के लिए मैंने साइड पार्टीशन की है, आप सेंटर पार्टीशन भी कर सकते हो और उसके बाद बस बालों को अच्छी तरह से स्मूथ कर लेना है और आप देख सकते हो मेरे हेयर कितने ज़्यादा स्मूथ और शाइनी दिख रहे हैं। पीछे की तरफ मैंने पोनीटेल बांध ली है, उसके बाद पोनीटेल को ऊपर की तरफ होल्ड करके मैंने 3 टिकटैक पिन लगाई हैं ताकि हेयर जो है वो सिक्योर हो जाए और जो लूज हेयर है उनको पीछे की तरफ लेने के बाद अंदर की तरफ रोटेट करके मैं यहाँ पे जूड़ा पिन नीचे से लगा रही हूँ। ना अगर आपके शोल्डर लेंथ तक हेयर है या मीडियम लेंथ है हेयर की तो आप इस तरीके से जूड़ाबन बना के देखिए, क्योंकि अगर आप वैसे रेगुलर जूड़ाबन बनाओगे तो उसमें कोई वॉल्यूम नहीं आता, लेकिन इस तरीके से इंस्टेंट वॉल्यूम आएगा आपके बालों में। आप रोजाना में ऑफिस में ये हेयर स्टाइल कर सकते हो। साइड्स पे आपको एक बॉबी पिन ऐड ज़रूर कर लेनी है ताकि जो भी हमने टिकटैक पिन लगाया या रबर बैंड लगाया वो किसी भी तरह से विजिबल ना रहे और ये करने में भी बहुत आसान है, पूरा दिन स्टे करेगा। आप यहाँ पे हेयर सेटिंग स्प्रे भी कर सकते हो स्प्रे ताकि बाल जो अपनी जगह पे टिके रहें। तो ये था तीसरा हेयर स्टाइल।
चौथे हेयर स्टाइल के लिए मैंने सेंटर पार्टीशन ली है और सामने की तरफ से एक छोटा सा सेक्शन लेके मैं ट्विस्टेड ब्रेड कर रही हूँ। जब आपको सिर्फ एक मिनट में हेयर स्टाइल करने हो रोज़ाना के, तो उसमें ट्विस्टेड ब्रेड सबसे आसान तरीका है। दोनों तरफ मैंने ट्विस्टेड ब्रेड बना ली है और उसको अपनी जगह पे सिक्योर रखने के लिए हमेशा रबर बैंड का यूज़ ज़रूर करें, अदरवाइज अगर आप सिर्फ बॉबी पिन लगाओगे तो ये ब्रेड लूज़ हो जाती है। रबर बैंड लगाने के बाद मैंने इसको अंदर की तरफ दो ट्विस्ट दिए हैं और बाकी के जो हेयर हैं उनके साथ मैं पीछे की तरफ एक पोनी बना रही हूँ। पोनीटेल बना लेने के बाद यहाँ पे मैं एक सिंपल सा जूड़ा बना रही हूँ, जो बहुत बार आपने अपनी मम्मी को या दादी को या मासी को किसी न किसी को तो बनाते हुए ज़रूर देखा होगा। नाउ इस जूड़े को थोड़ा सा ट्रेंडी लुक देने के लिए जब जूड़ा आप बना लें तो ऊपर की तरफ से हेयर का सेक्शन इस तरह से नीचे की तरफ आपको पुल करना है कि जो रबर बैंड लगाया था या जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो छुप जाएँ और इस तरह का स्मूथ लुक आए। पांचवें हेयर स्टाइल के लिए पहले मैंने एक पोनीटेल बना ली है और उसके बाद मैं एक डोनट बन ले रही हूँ और डोनट बन के ऊपर और नीचे की तरफ इस तरह से रबर बैंड लगा रही हूँ। अगर आप रोज़ाना में अलग अलग हेयर स्टाइल करना चाहते हो तो कुछ हेयर एक्सेसरीज़ जो हैं वो आप ज़रूर अपने पास रखें। डोनट बन आप घर पर भी बना सकते हो, उसके लिए आप मेरा DIY हेयर एक्सेसरी वाला वीडियो चेक कर लीजिएगा। नाउ डोनट बन का जो सेंटर वाला पार्ट था उसमें से मैंने पोनीटेल को निकाला है और उसके बाद सामने से थोड़े से हेयर पुल किए हैं एंड देन डोनट बन की एक साइड पे हेयर को लेने के बाद ऊपर से रबर बैंड लगा दिया, जो बचे हुए बाल थे उनके नीचे रबर बैंड लगा दिया। और इस तरीके से आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना है हेयर को और जो पोनीटेल बनाई हुई है छोटी सी उसको अंदर की तरफ टक इन कर देना है, बाहर की तरफ कुछ भी हेयर जो है वो विजिबल नहीं रहने चाहिए। और साइड से लगा देनी है एक जूड़ा पिन, सिर्फ दो जूड़ा पिन लगेंगे मैक्सिमम और एक रबर बैंड, और ये आसान दिखने वाला जूड़ा बन हेयर स्टाइल सिर्फ आप एक मिनट में कर पाओगे। नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए मैंने साइड पार्टीशन ली है, बालों को पीछे की तरफ कोम करने के बाद रबर बैंड लगा लिया है और उसके बाद बालों को इस तरह से अंदर की तरफ मैं ट्विस्ट कर रही हूँ। आप चाहो तो ये हेयर स्टाइल इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जूड़ा बन बना के दिखाने वाली हूँ। जिनके बहुत छोटे बाल हैं या शोल्डर लेंथ हेयर हैं वो इस तरीके से जूड़ा बन बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप रेगुलर जूड़ा बन बनाना चाहोगे तो छोटे बालों से नहीं बन पाता है। तो इस तरह से बालों को पहले ट्विस्ट कर लें, जितने भी आपके हेयर लेंथ है उनको आपको अंदर की तरफ रोल करके साइड की तरफ से जो आपने सर्कल रोल किया होगा तो एक सर्कल जैसा बन जाएगा, दोनों तरफ से टिक टैक पिन लगा देनी है। टिक टैक पिन बॉबी पिन से ज़्यादा स्ट्रांग रहती हैं और उसके बाद बालों को इस तरह से स्प्रेड कर देना है और इंस्टेंटली सिर्फ एक मिनट में एक सुंदर जुड़ा बन रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए यहाँ पे सामने से मैंने साइड पार्टीशन रखी है और पीछे की तरफ मैं दो रबर बैंड लगा रही हूँ। ना मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है लंबे और भारी बालों के लिए हेयर स्टाइल बताएं, तो ये हेयर स्टाइल अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा भारी हैं तो आप ट्राई करना, बिकॉज भारी बालों के साथ अगर आप सीधा जूड़ा बनाते हो तो बहुत ज़्यादा जूड़ा पिन लगानी पड़ती है, बाल में मतलब टिकता नहीं है जूड़ा और ईजिली बनता नहीं है। तो बालों को दो हिस्सों में पहले डिवाइड कर लें, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक रोप ब्रेड बनाई है सिंपल आसान तरीके से, बस आपको दोनों को बालों के सेक्शन को आपस में ट्विस्ट कर देना है और उसके बाद उनको सर्कुलर मोशन में घुमा के अपने हिसाब से जैसे भी आपको लगे कि हाँ इस तरीके से ये थोड़ा सा पीछे से मैसी लुक रहेगा, उस ब्रेड को आपको एडजस्ट कर देना है एक जूड़े की फॉर्म में और टिक टैक पिन लगा के उसका जो लूज सेक्शन है उसको सिक्योर कर देना है। सेम स्टेप दूसरी तरफ भी फॉलो करने हैं और वहाँ पे भी एक टिक टैक पिन लगा देनी है। नाउ दोनों जूड़ा की पीछे से ऐसा लगे कि एक ही जूड़ा बन हेयर स्टाइल है, तो दोनों जूड़ा को पकड़ के सेंटर वाले सेक्शन में मैंने एक जूड़ा पिन टक इन कर दी है, तो इससे पता नहीं चलेगा कि दो अलग अलग आपने जूड़ास बनाए थे और कुछ इस तरीके का लुक आएगा। तो मेरे बाल पतले हैं तो इसलिए ये पीछे से कुछ इस तरीके का दिख रहा है, लेकिन अगर आपके बाल भारी हैं तो हैवी वॉल्यूम वाला जूड़ा बन दिखाई देगा। नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए मैंने सेंटर पार्टीशन की है और यहाँ पे सामने के ईयर टू ईयर पार्टीशन के मैं हेयर को ओपन छोड़ रही हूँ और जो पीछे के हेयर हैं उनके साथ मैं एक रबर बैंड बन लगा के एक पोनी टाई कर लूँगी। बहुत ही सिंपल सा और आसान तरीके का हेयर स्टाइल है, सिर्फ एक मिनट में हो जाएगा। इसके बाद जो सामने के हेयर हैं, सामने से मैंने दो छोटी सी फ्लिक्स छोड़ी हैं, सामने के दोनों हेयर का जो सेक्शन है उनको पीछे लेना है, पोनी के ऊपर से क्रिस क्रॉस करते हुए आपको इस हेयर वाले सेक्शन को लेके जाना है और रोटेट करना है ताकि जो रबर बैंड है वो भी अच्छी तरह से कवर हो जाए और इस तरह से का कुछ क्रिस क्रॉस लुक बनना चाहिए पोनी के ऊपर। पूरे सेक्शंस को रोटेट करने के बाद टिक टैक पिन मैं नीचे की तरफ लगा रही हूँ ताकि पिन जो है वो विजिबल ना रहे।
यहाँ पे आप चाहो तो एक छोटा सा रबर बैंड भी लगा सकते हो ताकि ये वाला जो हेयर का सेक्शन है वो अपनी जगह पे टिका रहे। एंड दैट्स इट। उसके बाद नीचे की तरफ जब आप अपने हेयर को छोड़ोगे तो इस तरह की कुछ स्टाइलिश दिखने वाली पोनीटेल बन जाएगी और हल्का सा बाउंस रहेगा हेड सेक्शन की और हल्का सा वॉल्यूम भी रहेगा। बहुत ही स्टाइलिश दिखती है ये पोनी और वर्क प्लेस में आप कर सकते हो, पूरा दिन टिके भी रहेंगे आपके बाल, ऑफिस में भी करके जा सकते हो और सिर्फ एक मिनट में हो भी जाएगी और करना भी इसको बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए अगेन मैंने सेंटर पार्टीशन लेके सामने से ईयर पार्टीशन छोड़ दी है हेयर की और पीछे की तरफ एक पोनीटेल बना ली है और यहाँ पे मैं इस तरह का हेयर स्टाइलिंग टूल ले रही हूँ। ये भी पतले बालों के लिए बहुत ही नेसेसरी टूल है जिसके साथ आप आसानी से एक डोनट शेप वाला जुड़ाबन बना सकते हो। बस मैंने उसको रोटेट कर दिया है और उसके बाद इसमें एक वायर होती है जिसको आप ट्विस्ट करेंगे तो इस तरह से ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है और उसके बाद जो आसपास के हेयर हैं वो उससे आपका जो ट्विस्टिंग पार्ट है उसको कवर कर देना है। तो अच्छी तरह से यहाँ पे मैं ट्विस्टिंग पार्ट को कवर कर रही हूँ और जो सामने के हेयर छोड़े थे उसके साथ मैं दो ट्विस्टेड ब्रेड बना रही हूँ राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड से और उसको जुड़ाबन के ऊपर रोटेट करके एक जुड़ा पिन के साथ मैं सिक्योर कर दूंगी। नाउ ये जुड़ा थोड़ा सा लूज दिख रहा है तो उसको एडजस्ट करने के लिए आप जुड़ा पिन यूज कर सकते हो और कुछ इस तरीके का दिखेगा ये वाला है जुड़ाबन हेयर स्टाइल जो कि आप सिर्फ एक मिनट में पतले बालों के साथ आसानी से बना सकती हैं। पतले बालों के साथ पार्टी हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल, लहंगा हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल और आसान रोजाना के हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।